साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे ड्राइवर से रिलेटेड। पिछले वीडियो में बात की थी अपन ने कतर से रिलेटेड, आज बात करेंगे अगर आप दुबई जाते हैं तो दुबई में ड्राइवर की जॉब में क्या स्कोप में, कितनी तनख्वाह, कैसे क्या अपने को ये वीज़ा मिल सकता है, तो इससे रिलेटेड अपन आज बात करते हैं। तो चलिए शॉर्टली तरीके से शुरुआत करते हैं साथियों। हेडिंग रखा है साथियों दुबई ड्राइवर जॉब। जी हाँ साथियों, दुबई में ड्राइवर जॉब मिलता कैसे, इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि जो ड्राइवर का डायरेक्टली वैकेंसी नहीं आती इंडिया में, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं साथियों, कंपनी का वीज़ा रहेगा अगर आप कंपनी में जाते हो, कंपनी के अंदर अगर आप इस वीज़ा में जाते हो तो अग्रीमेंट होता है इसमें 2 साल का, ठीक है। 2 साल के अग्रीमेंट में जाते हो, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि डायरेक्टली इंडियन लाइसेंस से तो कंपनियां लेती नहीं है ना दुबई में, तो फिर कैसे क्या होता है। तो इसमें मैं बता दूं साथियों, लगभग दुबई का 90% सिस्टम ये होता है कि यहां से लोग जाते हैं दूसरे जॉब में, ठीक है, वहां फिर वो ट्राई देके अपना लाइसेंस बनवाते हैं दुबई का। वहाँ पे नंबर चलता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, छोटी गाड़ियों का अलग अलग लाइसेंस होते हैं सबके, तो उनकी अलग अलग फीस होती है, अलग अलग उनका सबका क्राइटेरिया होता है, अलग अलग उसमें तनख्वाह भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेम जैसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यही है कि 90% लोग वहाँ पे लाइसेंस खुद अप्लाई करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली कोई वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुबई वैलिड लाइसेंस मांगती है, दुबई का लाइसेंस होता है उसी को वो जॉब पे लेके जाती है। उसकी सैलरी अच्छी मिलती है, लगभग 2500 दरम के करीब, ठीक है, अच्छी सैलरी उसमें मिल जाती है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। कंपनी का वीज़ा होता है, रहना खाना सब कंपनी देती है, ठीक है साथियों। 2 साल का इसमें अग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसमें खर्चा की बात कर लें तो अगर आप कंपनी के जॉब में जाते हो तो एजेंट यानी जो एजेंटों सहित 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक ड्राइवरी का वीज़ा थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। 1,00,000 रुपये तक बंदे आराम से मतलब इनका खर्चा हो जाता है, 80,000 से 1,00,000 रुपये के बीच में ड्राइवरी का वीज़ा होता है साथियों, खर्चा हो जाता है। लाइसेंस कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट बात यह कि इंडियन लाइसेंस वैलिड नहीं है, कोई भी कंट्री का आपको लाइसेंस वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुबई का लाइसेंस वैलिड है। तो लाइसेंस तो आपके पास होगा नहीं, आप तो फ्रेश जा रहे हो ना, तो इसके लिए आपको दूसरे जॉब में वहाँ जाना है, वहाँ जाके आपको ट्राई देना पड़ेगा। तीन चांसेस आपको मिलते हैं, जब भी आप ट्राई में पास हो जाओगे तो फिर आपको वहाँ की फीस भरनी पड़ती है, ठीक है। कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए दुबई का जो लाइसेंस है बनवाने का खर्चा पड़ जाता है, वो आपको भरने के फिर बाद आपका लाइसेंस बनता है, फिर आप वहाँ पे लाइसेंस का जॉब कर सकते हैं। ड्यूटी की बात करें तो साथियों नॉर्मल कंपनी में 8 घंटे ड्यूटी होती है प्लस ओवरटाइम हो जाता है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जॉब करते हो तो उसमें ट्रिप आपको अलग से मिल जाता है, ठीक है। जुम्मा की वहाँ पे छुट्टी होती है, सबको पता है कि मोमडन कंट्रियों में जुम्मे शुक्रवार की उसमें छुट्टी होती है। सैलरी की बात करें तो साथियों सैलरी में अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस है तो हेवी और लाइट अच्छी सैलरी इसमें दुबई में अच्छी सैलरी ज़्यादा मिल जाती है, 1500 से प्लस ही मिलती है, 1500 से 1800 सैलरी इसमें सैलरी लाइट ड्राइवर में आपको आराम से मिल जाती है, प्लस रहना खाना इसमें मिल जाता है। तो लगभग 30-35 हज़ार रुपये सैलरी होती है, इससे ज़्यादा तो हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, जनरली यही सैलरी इसमें 1500 से 1800 सैलरी मिलती है। हेवी की बात कर लें साथियों तो हेवी कम से कम 2000 दराम के आसपास सैलरी होती है, कईयों में सुनने में आता है देखते भी हैं कि 2400-2500 तक भी सैलरी मिल जाती है, लेकिन मिनिमम 2000 1800 1800 प्लस 200 या 2000 प्लस 200 सैलरी 1800 2000 2200 2300 तक की सैलरी इसमें मिल पाती है आपको, वहाँ की दरम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। प्लस इसमें रहना खाना आपको मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, आना जाना बिल्कुल कंपनी की तरफ से होता है, प्लस इसमें आपको मेडिकल मिल जाता है। मेडिकल क्लेम भैया ड्राइवर के लिए बहुत जरूरी है, पहले भी वीडियो डाल रखे हैं, तो ये सिस्टम होता है। खासतौर से ड्राइवर जो भाई चाहें पहले गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर चेक कर लें, इंश्योरेंस हो तो आप गाड़ी चलाएं वरना न चलाएं तो बेस्ट होगा, ठीक है साथियों। तो साथियों ये लगभग मैंने दुबई से रिलेटेड आपको बता दिया, हालांकि दुबई का ड्राइवरी का जॉब स्कोप इतना नहीं आता, जो विदेश से जो वहाँ के लाइसेंस होल्डर इंडिया में हैं उनको ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो पता है सब कुछ। फ्रेश ड्राइवर इसमें जा नहीं सकता, इंडिया से फ्रेश ड्राइवर नहीं जा सकता दुबई में, जा सकता है लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे वहाँ की कंपनी ने ले लिया कि भाई आपको इंडियन लोगों को वहाँ ले जाके उनको ट्रेंड करके उनकी इंटरव्यू दिवा के फिर आपको लाइसेंस बना के दिया जाएगा, वो कंपनी अपने विभाग पे कोई हो सकता है ऐसे ले जाए, बाकी आप चाहो कि मैं इंडियन लाइसेंस से ड्राइवरी में चले जाऊं वो नहीं हो सकता। वहां से आपको कोई अप्रोच करता है कि आप 10 आदमियों को भेज दो यहां पे, इनको इंटरव्यू दिलवा के उनका लाइसेंस बना के फिर उनको गाड़ी सौंप देंगे, ऐसा हो सकता है, बाकी डायरेक्टली ऐसा जॉब नहीं है। तो साथियों मैंने कोशिश करके दुबई ड्राइवर से जॉब से रिलेटेड आपको कुछ बातें बता दी, फिर भी कोई बातें हैं आपके पास कोई है तो आप सजेशन दे सकते हैं, उसमें कुछ सुधार करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज ऐसे टॉपिक पे वीडियो आने वाले समय पे आपको सही जानकारी सही मोटिवेशन मिल सके, जिससे धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।